तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो हमारे जो सवाल जवाब उसको क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम शिवलकर साहब और वारिनी मैडम से आगे के प्रश्न पूछते हैं। मैडम, मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी हमारा जो प्रश्न चल रहा था कि लोगों का मानना है कि डेवलपर को ज़्यादा फायदा होता है, आपके क्या इसका पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि आप अभी एट प्रेजेंट यू आर सेक्रेटरी। यस, देखिए, कोई भी बिल्डर हो अपने फायदे के लिए ही काम करेगा, और हमें है अपना भी फायदा सोचना है। अगर हम दोनों के बीच का रास्ता निकाले तो डेवलपर का भी फायदा होता है और अपना भी, और यही सोच के हमने ये प्रोजेक्ट में काम किया है। तो अभी देखिए, हमारी वन रूम किचन सिर्फ थी, और वो भी एकदम लीकेज कंडीशन में, लोग छोड़ के जा रहे थे और अभी 2 BHK हमको मिला है। रेट बढ़ गया उसका। आप अगर देखेंगे बाहर का पैसेज जो बीच का, वो भी इतना बड़ा है कि वहाँ पे छोटा फंक्शन फर्स्ट फ्लोर में जो बनाया आपने, नहीं वो फर्स्ट फ्लोर का नहीं, एवरी फ्लोर पे जो रूम्स है उसके बीच का पैसेज है, वहाँ पे कुछ बर्थडे जैसा, कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम उधर भी कर सकते हैं आराम से, इतनी मतलब स्पेस है। हमारी लिफ्ट्स है, 4-4 लिफ्ट्स है, वो भी पूरा टाइम चलती है। अभी आप जब दूसरी जगह जाके देखेंगे तो एक लिफ्ट एक बार चलती है, एक लिफ्ट बंद रहती है, लेकिन हमारे यहाँ हमारी 4 लिफ्ट्स चलती रहती है। फिर सब पानी का प्रॉब्लम, पानी का अभी जो है वो तो NMMC से कट ऑफ है, इसलिए कम है, नहीं तो पानी हमें 24 घंटा, पहले तो सिड़कों का 2 टाइम पानी आता था, वो भी कभी शाम को तो नहीं आता था, एक बार आता था, लेकिन अभी हमें 24 आवर्स पानी मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, अभी आराम से हम रह ही रहे ना, और अपनी जेब से भी नहीं गवा रहे ज़्यादा। शिवलकर साहब, जब भी आपने ये डिसीजन लिया कि आपको बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में देनी है, तो आपने अपनी तरफ से कुछ स्ट्रक्चर इंजीनियर या आर्किटेक्ट अपॉइंट किए थे आपकी सोसाइटी की तरफ से? हाँ, हमारे तरफ से हम लोग ने लार्सन टूब्रो, हाँ, LNT के जो बजोरिया थे वो वहाँ के, उनको हमने अपॉइंट किया था हमारे तरफ से, और वो हमेशा विजिट देते थे, हम तो रोज उधर काम देखते थे, तो हमें कुछ लगता था तो हम उनके उनके साथ कंसल्ट करते थे, फिर वो क्या चाहिए, कैसा चाहिए, क्या गेज की चाहिए, गेज की चाहिए, फिर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, ये सब उन्होंने सब करा के उसके हमें सर्टिफिकेट्स भी दिए। हर प्लिंथ के टाइम में वो खुद आते थे, सब चेक करते थे, वो सब किया है। जो ब्रेक के पहले हम कुछ बात कर रहे थे, जो आपने जो प्लान किया था, फाइनेंस जो प्लान किया हुआ था कि भाई ऐसा नहीं कि कुछ कॉर्पस फंड आया तो आपने खर्चा कर दिया, या वो आपको काफी बेनिफिट साबित हुआ, क्योंकि ऐसा जब अगर मैं इधर पब्लिक बात करूं, अगर बाहर से देखता हूं कि सी टाइप टूट चुका है, इसका कब बनेगा कब नहीं बनेगा, तो लोगों को ऐसा लग रहा था ये बनेगा कि नहीं बनेगा, काफी लोग RTI डाल रहे थे, काफी लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। फिर आप भी दो अलग अलग बॉडीज है, गवर्नमेंट बॉडीज ही है, एक सिडको है, एक NMMC है, इनके प्रोसेस अलग है, इनके प्रोसेस अलग है, तो उस समय जैसे मैंने आपको पहले बताया बहुत डेयरिंग का काम है, और आपने जो फाइनेंस मेंटेन किया, तो कई बार ऐसे लगा आपको कि शायद कुछ प्रोजेक्ट अटकेगा या शायद कुछ प्रॉब्लम्स आएगी पॉलिटिकली हमारे जो हितचिंतक थे वो सोच रहे थे कि इनका काम बंद हुआ है, तो हम लोग बोला काम बंद हुआ है लेकिन अंदर से काम चालू था, क्योंकि हम लोग को मालूम था ये पॉलिटिक्स वाले हम लोग को तकलीफ देंगे, तो हम लोग अपने हिसाब से काम करते थे, और हमको मालूम था कि ये काम होने वाला है, भरोसा था, नायक साहब पे भी था और हमारे जो बिल्डर है उनके ऊपर भी था। तो वो बिल्डर हमारे जे थे, उन्होंने हमको अच्छा सहयोग दिया, हम लोग ने भी उनको सपोर्ट किया उसकी वजह से, और मेन चीज थी बैंक गारंटी की, करेक्ट, वो हमने बराबर करके रखी थी कि अगर चलो भी कुछ हो गया तो वो बैंक गारंटी हम उठा के आगे काम कर सकते थे, मतलब वो हम भी नहीं लोग था। ये भी सोचा था कि वर्ल्ड बैंक से लोन लेके करेंगे, लेकिन करेंगे मतलब थान के लिए थी। अच्छा, दूसरा मैं पूछा कि ये सब परमिशंस को अगर सपोज आज कोई सोसाइटी को जाना है रीडेवलपमेंट पे, तो कितना टाइम लग जाता है, सिडको से परमिशन, NMMC से परमिशन, आपके हिसाब से कितना टाइम मैडम लगेगा? टाइम तो डिपेंड करता है, अगर आपके सब पेपर्स परफेक्ट है तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, सब जगह पे है, इसीलिए तो मैं बोली ना पीछे कि हमने 70% का था, लेकिन हमने 100% हमारे सब लोगों को इकट्ठा किया
और उनका सबका पेपर्स परफेक्ट तैयार किया और फिर सब स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोड्यूस किया उधर, तो फिर कुछ प्रॉब्लम इतनी नहीं हुई, जो होनी थी वो ही होती रही, लेकिन अपने अपना पेपर वर्क पूरा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। और हम लोग को ठक्कर वकील अपने एडवोकेट, उन्होंने बहुत हेल्प किया, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया हमें। और हमारी कमेटी पूरी है, रात को 10 बजे तक काम करती थी पेपर जमा करने के लिए। अगर सपोज कोई मेंबर सोसाइटी में नहीं मिलता है, अगर कोई सोसाइटी में का जो एक मेंबर है वो आउट ऑफ स्टेशन है या आउट ऑफ कंट्री है, उस जगह में हम क्या कर सकते हैं? आपकी तो सोसाइटी बन गई, इसके लिए हम आपके एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं अपने दर्शकों से, ताकि सपोज कोई नया सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रहा है और अगर उनके मेंबर्स जगह पे नहीं है तो वो क्या उपाय करे उसके लिए? क्या हमने भी वही किया ना, जो हमारे यहाँ भी वैसे ही था, भाड़े पे लोग थे, कहीं कहीं बाहर थे, कोई आउट ऑफ इंडिया भी गए हैं, तो हमने उनको बुलवा के लिया कि बाबा ऐसे ऐसे हो रहा है, कन्विंस किया हमने सबको कि ये हो रहा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ये हो रहा है, होगा, तो आप आएंगे तो ये आगे चलेगा, आप आ जाइए, इसमें आपका फ़ायदा है, वो सब हमने उनको बताया, तब जाके वो लोग सब माने और सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया, उन लोगों ने भी कि हम पे भरोसा रखा कमिटी के ऊपर कि चलो ये कमिटी कर रही है तो हम भी उनको सपोर्ट करें। एक थोड़ा पर्सनल सवाल, थोड़ा हटके, कुछ लोगों का मानना है कि बिल्डर्स को कुछ लोगों को खुश रखना पड़ता है सोसाइटी के, तो ऐसा कुछ था आपके साथ? ये बातें जो है ना अभी भी चलती, ये अभी मालूम पड़ गई हम लोग को टावर होने के बाद। तो हम लोग मूर्ख बन गए थे वो टाइम, हम लोग ने कुछ भी डिमांड नहीं किया, ये बातें टावर होने के बाद मालूम पड़ गई, अरे आप लोगों ने परसेंटेज क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं बोला, हम लोग को सबको जगह अच्छी देनी थी, हमारे मन में तो बस हम लोग को ये परसेंटेज का मामला मालूम ही नहीं था कि अपनी जगह है वो अच्छी होनी चाहिए, आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो हम प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। आपके मन में एक जुनून था, जुनून था कोई भी हम लोग को पैसे बताए, हमें ये सोसाइटी करनी है, सोसाइटी के लिए करेंगे और सोसाइटी ही होनी चाहिए, हमने 176 का सोचा, खुद का कुछ नहीं सोचा हमने। लोकमत की जो मेहनत है वही रंग लाई। हाँ यस, लोकमत में ऐसा भी आया था वो टाइम कि 176 मकान मालिक रोड पे आ गए। कोई मैं आपको बोल रहा हूँ, पब्लिक हमें काफी रूमर्स आ रहे थे, तो ये जो है ये हम लोग ने उससे हम लोग डर गए नहीं, डरे नहीं, हमने वो हम डट के रहे वहाँ पे कि नहीं हमारा होगा और होगा ही, कोई बाहर कुछ कुछ तो बोलेंगे ही ना, लोग है बात तो करेंगे। और आपके लिविंग स्टैंडर्ड में कुछ फर्क पड़ा है? श्री गणेश अभी तो पड़ गया, अभी हमारे पास पहले पार्किंग में खाली आर्टिगा कार थी, अभी एक एक घर में दो दो कार आई, दो दो कार पार्किंग, तो लिविंग स्टैंडर्ड में फर्क आया है, पार्किंग की थोड़ी समस्या है। इसलिए अब जो नए डेवलपमेंट पे लोग प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं वो सबसे पहले बिल्डर्स प्रॉमिस करते हैं हम सोसाइटी के अंदर पार्किंग बना के देंगे, अभी तो रूल्स ही बन गए। आपकी जो सोसाइटी से लोगों को जो एक्सपीरियंसेस मिले, जो खाली एक सवाल मैं बीच में आपस बढ़ाना चाहूंगा, ये कितना टाइम लगता है परमिशन के लिए, हम अपने मेंबर्स को बता सके पर कितना टाइम लगेगा परमिशन के लिए? तो आपको एक मिनिमम कि साल, छह महीना, दो साल, डेढ़ साल आपको सब परमिशन लगेगा, तब तक आपको भाड़े के घर पे रहना ही पड़ेगा, एक छोटा सा आप थोड़ा आइडिया देंगे तो क्या है उसमें? पहले आए तो अपना मैडम ने जैसा बताया कि पेपर सब क्लियर चाहिए, और पेपर क्लियर होने के बाद जाता है, बाकी तो बस वो सब, बाकी हम लोग ने तो जनरल मीटिंग लेके लोगों को कैसे घर देने हैं, क्या करना है, वो सब समझाना पड़ता है, दो तीन बार जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है। नहीं जैसे अभी पहले था, जैसे आपकी सी टाइप सोसाइटी थी या JN1 टाइप थी, तभी लोग अपना अपना रहते थे, लेकिन आज इस हिसाब से ओनर्स अपार्टमेंट इतना स्ट्रांग बन चुकी है, सोसाइटी स्ट्रांग हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से ज्यादा पेपर्स में प्रॉब्लम नहीं किसी की। पहले पावर अटॉर्नी चलती थी, आजकल पावर अटॉर्नी को कोई डिमांड नहीं है, हर चीज रजिस्टर्ड हो चुकी है। ये सब के बावजूद NMMC और सिडको से कितना टाइम लगता है परमिशन के लिए? हमने तो CC के बाद ही हमारी बिल्डिंग्स तोड़ी थी, मतलब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के बगैर हमने, हम पहले नहीं तोड़ा था,
पहले हमने सब सर्टिफिकेट लिए, फिर बाद में जाके हमारे बिल्डिंग टूटे हैं। तो सीसी और ओसी के बीच में कितना वक्त लगा आपको? अभी हमें तो 2 साल में तो हो गया, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, उन्होंने जाके ओसी के लिए अप्लाई किया, ओसी का जो उनका जो कुछ पैसे भरने रहते हैं वो सब उन्होंने भरे, तो उसी तो उसी टाइम उधर मिल गई हमें नो ड्यू सर्टिफिकेट। नो ड्यू सर्टिफिकेट सिडको से, मैं बोली ना कि सब क्लियर किया, और बाद में उसी के लिए अप्लाई किया। नो ड्यू जो पहले सिडको का कैसे पानी बिल अलग था, सर्विस टैक्स था, वो हमने सीसी लेने लेते वक्त ही बिल्डर से करा के लिया था, वो सब भरने के बाद ही सब शुरू किया था, मतलब हमने सब पेपर वर्क पहले ही किया। जो आपकी जो पहले बिल्डिंग थी वो 5 माले की थी? हाँ, 5 माले की। और अब G+14 बनी हुई है, तो आपके G+15, तो ये 15 माले 2 साल में कंप्लीट हो सकते हैं? हो सकते हैं। और आपका एरिया कितना था स्क्वायर मीटर टोटल प्लॉट का एरिया? यस, 5,641 कुछ था। ये सब दर्शकों के नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मतलब 1.5 एकड़ जगह 2 साल में G+15 रेडी हो सकती है, विद अगर आपके साथ परमिशन, वो भी 2 टावर करना चाहे तो। ये पब्लिक को नॉलेज दे रहा हूँ मैं, ताकि उनको मालूम पड़े उनको क्या क्या, ये जब बिल्डर्स चुनने के लिए उनको क्या क्या ये लेना चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो आपसे हम लोग पूछे क्योंकि आपने किया हुआ है, यू आर द पाइनर्स, आपने शुरुआत की, उसके बाद लोगों को लाइन लगी हुई है डिग्री डेवलपमेंट के लिए। लेकिन लोगों का एक है कि वाशी में उनको ज्यादा इंटरेस्ट है, बिल्डर्स को, उनको बाकी एरियाज में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा आपका क्या मानना है इस बारे में? वाशी मेन एरिया है, यहाँ से ही शुरू हुआ, तो आजू बाजू में सब डेवलपमेंट यहीं पे है ना, हॉस्पिटल बोलिए, स्कूल्स बोलिए, मॉल्स बोलिए, तो ऑब्वियस प्राइम लोकेशन हो गया, तो बिल्डर्स को भी लगता है यहाँ पे हमें फायदा हो जाएगा। आपके हिसाब से बिल्डर को कितना मार्जिन होना चाहिए? हम लोग ने जो बिल्डर के साथ वो टाइम बातें की, तो वो टाइम हम लोग ने बिल्डर को जो मुनाफा है वो उनको मिलना चाहिए, हम लोग को जो जगह चाहिए ज़्यादा वो भी चाहिए, अमेनिटीज भी अच्छी चाहिए, ये सब बात ध्यान में रखे दोनों में तालमेल जमाया, उसको भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं और हम लोग को भी नुकसान नहीं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड बढ़ता है, जैसे आज जैसे आपकी बिल्डिंग G+5 थी, आज G+15 हो गई है, तो उस जगह पे ही उतने एरिया में ही लोगों का पानी का डिमांड बढ़ गया? नहीं, हमारे 176 फ्लैट्स थे, हमने उतने ही बनवाए हैं। लेकिन आपका 1 रूम किचन आज 2 BHK हो गया, तो उस हिसाब से पानी का डिमांड, पार्किंग का डिमांड, जगह उतनी है ना? हाँ, जगह उतनी है, तो इससे NMMC के ऊपर कुछ लोड पड़ेगा या ऐसा आपका मानना है कुछ, या पार्किंग की समस्या है? नहीं, ये बात पे मैं बीच में भी बोला हूँ कि उसके ऊपर अच्छे वास्तु विशारदों से सलाह मसलत करके, इंजीनियर्स जो ये इस क्षेत्र में इंजीनियर है, उनका राय लेके लेने के बगैर तो आप कर ही नहीं सकते ना, उनका और अभी राय लेना पड़ेगा। अभी NMMC ने पाइपलाइन भी बड़ी की है, लगाई है, और वो हिसाब से NMMC भी प्रोविजन कर रही है, तो वो फ्यूचर में होना मुश्किल नहीं है। नहीं, उसी हिसाब से बीच में ड्रेनेज की लाइंस भी कराई थी, बड़ी कराई थी, तो मतलब वो ये सब ध्यान में रख के ही वो किया है, काम शुरू किया था वो टाइम में और हो गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि उतना ये आना चाहिए लोड कुछ। हमारे प्रोग्राम में काफी बिल्डर्स आए थे, तो उनका मानना था कि जो मेंबर्स है, जो सोसाइटी मेंबर्स है, उनको पॉलिटिकली लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि जगह आपकी है, घर आपके है, आपने अपनी मेहनत से, खून पसीने की कमाई से, इंस्टॉलमेंट्स भर भर के आपने घर लिए हुए हैं, लेकिन जहाँ पे पॉलिटिकली लोग आ जाते हैं वो आपकी कंधे पे, जैसे कुछ बिल्डर से डिमांड करते हैं कि हमको ये होना चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए, हमको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने चाहिए, हमको पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, हमको ये सप्लाई मिलना चाहिए, तो आप हमारी जनता को क्या बताएंगे कि उनको पॉलिटिकलाइज लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, उससे ज़्यादा फायदा है, या सोसाइटी मेंबर्स में पॉलिटिक्स बाहर रख के एक की करके हमें मिलजुल के करना चाहिए? मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि हमारे इधर तो जब ही बनाया तो हम लोगों को पॉलिटिक्स में हम लोग ने नाइक साहब ने सपोर्ट किया, मगर उन्होंने ये हिसाब से हमको सोचा ही नहीं कि ये हमको इतना मुनाफा उधर होगा, ऐसा कुछ नहीं, हमारे लिए वो भगवान के जैसा उन्होंने जो हमको सपोर्ट किया वो, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। और दूसरी बात है कि
आगे जाके पॉलिटिक्स का सपोर्ट लेने का कि नहीं लेने का, वो बात पब्लिक ने खुद सोचनी चाहिए कि कौन कैसा है, कौन कैसा है, कौन अपना देखेगा, वो सोचना पड़ेगा। जो हमारे लिए तो नाइक साहब ने हम लोग को पूरा सपोर्ट किया, इतना भी बोला आपका काम रुकेगा तो उसके लिए कम पड़ेगा पैसा तो बिल्डर को मैं दूंगा, लेकिन काम पूरा होना चाहिए और इनको अच्छे मकान मिलने चाहिए। शिवलकर साहब, हमारे प्रोग्राम में काफ़ी बिल्डर्स आए, उन्होंने एक लोगों को सजेशन दिया कि आप जो पॉलिटिकलाइज जो लोग हैं उनको आप ज़्यादा इन्वॉल्व मत कीजिए आपके सोसाइटी में, क्योंकि ये जगह पब्लिक की है, ये मकान पब्लिक के है, पब्लिक ही इंस्टॉलमेंट भरती है, पब्लिक ही अपनी मेहनत का पैसा ला ला के जो भी बैंक्स के इंस्टॉलमेंट भरती है, ये आते हैं कुछ लोग और बिल्डर से निगोशिएट करते हैं, मेंबर्स को बोलते हैं आप हम पे भरोसा कीजिए के, और ऊपर से बिल्डर से डिमांड करते हैं कुछ कट्स की, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की, जैसे पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल सप्लाई, पानी सप्लाई। तो आपका क्या मानना है इस बारे में कि लोगों को, जो हमारे दर्शक है नवी मुंबई आवाज़ के जो दर्शक है, उसको पॉलिटिकलाइज लोगों को नज़दीक लेना चाहिए या दूर रखना चाहिए? उसमें मेरा मानना ऐसा है कि हम लोग ने जब भी किया तो हम लोग को ये एक्सपीरियंस नहीं आया कि पॉलिटिक्स वाले ने हमसे डिमांड किया या बिल्डर से डिमांड किया हमारे, ये हम लोग को पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं मिला। और दूसरी बात, बाहर के लोग क्यों आए, उनका तो कुछ संबंध ही नहीं आता ना। मतलब अभी जैसे भरत नखाते सब तो हमारे यहाँ उनका रूम था, वो रह रहे थे, तो उनका वो हुआ वो ठीक है, लेकिन दूसरा ही कोई आए ये तो कोई मतलब की बात नहीं है। जैसे कॉरपोरेशन का मतलब है, कॉर्पोरेटर का मतलब है लोगों की सेवा करना। हाँ। आज आपकी जो सोसाइटी बन के 9 साल हो गए, लेकिन लास्ट इलेक्शन में लोगों ने कॉर्पोरेशन इलेक्शन सिर्फ इसलिए लड़ा ताकि कल कॉर्पोरेटर बनने के बाद वो कुछ बिल्डर से डिमांड कर सके। ये जग जाहिर है, ये ठीक है आपकी सोसाइटी में नहीं हुआ लेकिन ये होगा नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो अभी उन लोगों पे डिपेंड है कि वो उनका क्या फायदा चाहते है, अपना प्रोजेक्ट स्मूथली जाए या फिर किधर अटके, तो वो तो सबको सोच खुद को सोचना पड़ेगा ना। अभी तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसको कुछ इसमें से कुछ मालूम नहीं है, तो उसी हिसाब से उन्होंने सोचना चाहिए कि अपना फायदा किसमें है। और आखिर में आप नवी मुंबई आवाज की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नई मुंबई के जनता से यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने सोसाइटी में सभी घर मालिकों की यूनिटी बनानी चाहिए और सब अमेनिटीज़ और बिल्डर लोगों के साथ बात करके अच्छी तरीके से आपने जो समस्या है वो हल करनी चाहिए, तालमेल दोनों का, बिल्डरों का और कमिटी का बराबर होना चाहिए, और आप जो मकान मालिक है उनका भी फायदा सोचना चाहिए, वो हिसाब से अगर काम करे तो सक्सेस हो जाएंगे। यूनिटी जो बोलते हैं ना वो मेन चीज़ है। वैसे तो झगड़े तो सब घर में भी होते हैं, ये सोसाइटी तो बड़ी है उसमें तो झगड़े रहेंगे, लेकिन अगर सब ने सोचा कि नहीं हम सबको मिलके एक अच्छा करना है और सब लोग ऐसे एकजुट हो जाएंगे तो फिर बाकी का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए। सब अपने सबको मिलके फायदा सोचना चाहिए, जो मेंबर्स है भले वो 100 होंगे 200 होंगे, लेकिन सबने मिलके ये तय करना चाहिए नहीं हमें ये चाहिए, तो उसी हिसाब से अगर वो एकजुट होके काम करेंगे ना तो होता है जो हमने करके दिखाया है। हम एक साथ रहे, एक साथ काम किया तो हमारा डेवलपमेंट तो हो गया और 9 साल से हम अच्छे मजे से रह रहे हैं उधर, और क्या चाहिए। तो दोस्तों आज के एपिसोड में आपने देखा कि जो एक्चुअल यूजर्स है, जो एक वन रूम किचन के रूम में रहते थे आज 2 BHK के रूम में रहते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, उनको एक अलग तरह से लाइफ जीने का एक ये मिला हुआ है उनको, आज वो खुश हैं, आज जो हमारे दोनों मेहमान हैं वो खुश हैं आज। तो आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोगों भी रीडेवलपमेंट पे जाइए, लेकिन प्रॉपर बिल्डर चुनिए, प्रॉपर अपना स्ट्रक्चर इंजीनियर रखिए, प्रॉपर आर्किटेक्ट्स को साथ में लीजिए, पॉलिटिकलाइज लोगों से थोड़ा दूर रहिए, जिससे आप भी खुश रहेंगे और आप सबको भी फायदा रहेगा। इसके साथ आज का एपिसोड हम यही खत्म करते हैं। शिवलकर साहब आपके लिए, आपका और मैडम आपका आने का काफी धन्यवाद। नमस्ते।